छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। कमान फवाद क्यों नहीं लगा दे छक्का लगा तेरी खैर अबे ये क्या कर रहे सुसर जी मैच चल रहा है ओ भाई मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे अच्छी नहीं लगती क्रिकेट यार और आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे तो आप अफ्रीकी ही लगते हैं लगा देना मैच तो कैसा अजीब आदमी है यार अबे तो खबरें लगा ले उसमें भी तो खबर आ जाती है ना क्रिकेट की यार मुझे भाई मुझसे ये लंबे लंबे मैच हजम नहीं होते यार सब्जी लेके आओ खाना पकाना है यार ये तो सचमुच का फवाद है क्रिकेटर है यार सर मैं आपका ना बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने सच मुझ में कोई लाइव क्रिकेटर देखा आप मेरी दुकान में आए जल्दी जल्दी अरे भाई कौन हो फवाद भाई मैं लड्डू कैसे हैं आप फवाद भाई अरे भाई लड्डू वड्डू की जरूरत नहीं है मेरी गाड़ी खराब हो गई है अरे फवाद भाई लड्डू मेरा नाम है यार फवाद भाई ये मेरा घर है चले आप मेरे साथ मेरे मेहमान बन के चले लाए लाए लड्डू सर सामने मेरी दुकान है आप मेरी दुकान में चले आए मेरे साथ आए आप अरे आप धोबी के बच्चे छोड़ इसका लाइए मेरे साथ मेरी दुकान में जाएंगे छोड़ो मुझे कहाँ बता दिया आजे मम्मी जी सुसर जी हनी जल्दी आओ देखो अरे 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 क्या हो गया है भाई क्यों चिल्ला रहे हो लड्डू और ये कौन है लड्डू ये तुम क्या फवाद आलम के डुप्लीकेट के साथ घूम रहे हो हनी ये डुप्लीकेट नहीं है ये असल है सच दरअसल आपके घर के बाहर मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ये चमचम मुझे घर के अंदर ले आया चमचम नहीं लड्डू हाँ हाँ लड्डू भाई अरे लड्डू तुमने जिंदगी में पहली दफा कोई ढंग का काम किया किसी अच्छे इंसान को घर में लेकर आ गए बैठो बेटा बैठो बैठो अरे लड्डू तुम्हें नहीं कहा बैठने के लिए फवाद बेटा आओ बैठो 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 आराम से बैठो रिलैक्स होके बिल्कुल अपना घर समझो क्या हुआ भाई क्या हुआ अब ये कौन है भाई पापा क्या हो गया आपको आप इन्हें नहीं जानते नहीं मैं नहीं जानता इनको भाई ससुर जी आप इनको नहीं जानते ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं फवाद क्या फवाद आलम और ये हाँ ना फवाद आलम है ये बेगम ये कोई ढोंगी है ढोंगी आप मेरी माने ये नहीं है फवाद जवाद नहीं है अरे आपको कैसे पता अरे भाई मेरा भी कोई तजुर्बा है तजिया है मुशाहिदा है मुझे पता है यार ये कि फवाद आलम हो ही नहीं सकता अरे आप गलती पर हैं पापा आप बिना इसलिए मम्मा आपको ना मेहमानों के सामने नहीं लाती है फवाद ये फवाद गुलाब आप फौरन जाए और जाकर ना फवाद के लिए अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बना कर लाए जाइए जाइए नहीं नहीं आंटी मैं चाय नहीं पीऊंगा मेरे लिए आप एक गिलास का दूध मंगवा लीजिए हाँ बेटा क्यों नहीं जरूर जरूर दूध गुलाब जा रहा हूँ जाइए अब अच्छा सुने ना आप मुझे ऑटोग्राफ दे दें प्लीज मुझे भी ऑटोग्राफ मुझे भी दिल बना मैंने कहा सेल्फी का जमाना है भाई सेल्फी लूंगा ए सेल्फी एक मिनट ए सेल्फी अरे मैं भी लूंगी सेल्फी सेल्फी ले तो मेरी करो वहां तुम आ गया हो ना अबे ओ सेल्फी ये मैंने यहां दूध रख दिया है जिसका दिल चाहे उठा के खुद पी ले गुलाम क्या तमीज और तहजीब कहीं रख के भूल गए आप अरे अपने हाथ से दूध का गिलास फवाद को पेश कीजिए ना ओह बेगम मेरी माने आप ये फवाद शवाद नहीं है आप लोग गलत ही कर रहे हैं क्या फिर दौरा पड़ गया आपको है दूध दीजिए इनको इसको दूध देने से पहले पौधों को पानी ना दे दूं सवाब भी मिलेगा मुझे क्या क्या कहा कुछ नहीं आंटी अपने इस गुलाम से कह के मैकेनिक तो बुलवा ले ओ भाई ओ खबरदार मैं इनका गुलाम नहीं हूँ है
अगर आप मेरे गुलाम नहीं है तो फिर किसके गुलाम है? नहीं, मेरा मतलब मैं नाम की नहीं ओदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 फवाद बेटा, ये मेरे शौहर हैं, इनका नाम गुलाम है। अच्छा अच्छा आंटी, फिर तो एक ही बात हुई ना, बस जल्दी से भागकर एक मैकेनिक पकड़ लें। भैया मैकेनिक मंगा रहे हैं, दूध पत्ती चाय। गुलाम जाइए, जाके फौरन मैकेनिक लेकर आइए। अच्छा जा रहा हूँ। उठिए जाइए। हाँ जा रहा हूँ। और मैकेनिक लेकर ही आइएगा। हाँ लेके आऊंगा, दूध पी ले भाई। आंटी मुझे आपके हाथ का ब्रेसलेट देख के अपनी वालदा की याद आ गई, उनके पास भी सेम ऐसे ही ब्रेसलेट था। अच्छा, अरे बेटा तो मुझे भी अपनी माँ ही समझो, ये ब्रेसलेट तुम ले लो। अरे नहीं आंटी। अरे नहीं नहीं बेटा, ले लो। अरे नहीं आंटी नहीं। अरे नहीं, तकल्लुफ नहीं करो, ले लो बेटा। सेल्फी। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फादे ही, बाहर में बहुत सारे लोग आपसे मिलने के इंतजार कर रहे हैं। भाई इस तरह मैं किसी से नहीं मिलता। फिर किस तरह मिलते हैं? मुफ्त में तो मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, टिकट लगा देते। फिर एक कागज कलम ले आओ। कागज कलम वो मैं सामने दुकान से लेकर आता हूँ। हैं? घर पे नहीं है? घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। 3 अलिफ लाम मीम सलाम असलाम। हाँ नहीं, जितना भी होगा ना, आधा आपका आधा मेरा है। मेरा मतलब आप इतने बड़े वो क्या कहते हैं वो सेलिब्रिटी हैं, 60 आपका 40 मेरा, पक्का? चल ठीक है पक्का। तो सलाम करने के 1000, हाथ मिलाने के 2000, सेल्फी लेने के 3000 और इसके क्या थे 4000 किसके थे? अरे लड्डू यार, सुना है तेरे घर फवाद आलम आया हुआ यार, प्लीज यार उसे मिलाना यार, प्लीज। ये बात सुनो, मेरा बहुत पुराना जिगरी दोस्त है, वो इस तरह पोकट में लोगों से मिलता नहीं है। फिर किस तरह मिलता है? देखो यार, वो इस तरीके से आम लोगों से मिलता नहीं है। अगर तुम्हें मिलना ही है तो ये पढ़ लो। सलाम करने के 1000 रुपए, हाथ मिलाने के 2000 रुपए, ऑटोग्राफ के 3000 रुपए, 7 तस्वीर खिंचवाने के 4000 रुपए। अगर हो गया तो दे दे। ये पैकेज फवाद भाई ने बनाया है या पीसीबी से आया? ये लड्डू ने बनाया है, इसलिए ये लड्डू पैकेज है। देखो भाई, मुफ्त फंड में तो कोई काम होता नहीं है। और एक बात और बता दूं कि ये पेशकश सिर्फ महदूद हद तक है, महदूद वक्त के लिए। अच्छा मैं पैसे लेकर आया। मैं भी। तू तो दबा, तू कहाँ जा रहा है? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मुझे पता है तेरे पास एक कट के भी पैसे नहीं है। चल पिलवा दे, मिलवा दूंगा तुझे फवाद आलम से। अबे ये फवाद आलम हो ही नहीं सकता। अबे मैं भी पता लगा के रहूंगा। क्या हो गया गुलाम भाई, किसकी गाड़ी धो रहे हो? गाड़ी नहीं धो रहा हूं मैं कुछ खोज रहा हूँ। अच्छी बात है भाई, जमीन से तेल निकले ना निकले, गाड़ी से तेल जरूर निकल आएगा, लगे रहे खोज। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा? अबे तू भी अंधा हो गया है क्या? ए यार गुलाम भाई, अपना काम करो यार, फवाद भाई की गाड़ी दो, मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। मैं गाड़ी नहीं धो रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। सब अंधे हो गए। मैं पता करके आता हूँ, सबूत लेके आता हूँ कि ये फवाद आलम नहीं है। जा रहा हूँ मैं, सब अंधे हो गए। क्या यार पागल हो गए ये तो। भाईजान जी, भाईजान ये माजरा क्या है? यही कौन फवाद आलम? यार भाई इनके घर में जो है ना क्रिकेटर फवाद आलम, ये छक्का। भाई इनके घर में ना क्रिकेटर फवाद आलम आए, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ उनके घर में। एक मिनट, क्रिकेटर फवाद आलम, मैं यूं गया यूं आया, तैयार होके जाओ तो तैयार होके आया भाई।
भाई आपकी सेंचुरी मुझे याद है, मैं बताऊं। पहचाना, मैं वही जो सबसे पहले आपकी मदद के लिए आया था आपके पास। अबे तुम्हें कोई काम नहीं, चलो जाओ यहां से। फवाद भाई के आराम का टाइम है, सेलिब्रिटी आराम टाइम, जाओ। वाह वाह, ये कैसा आराम है भाई, मैं तो फवाद भाई के साथ फोटो खिंचवा। अबे नहीं ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उठो यहाँ से। क्यों क्यों नहीं कर सकता मैं? उसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक फॉर्म पर दस्तखत करने होंगे। अबे दस्तखत करने आते तो हम क्रिकेटर ना होते, हमने तो अपने निकाह नामे के फॉर्म पे भी अंगूठा लगाया था। पता था मुझे, इधर आओ। मिलाने के 4,000 रुपए, अगर ऑटोग्राफ चाहिए तो 6,000, और अगर फोटो बनवाना है तो 8,000 लगेंगे। हाँ यार लड्डू भाई, क्रिकेटर से मिलना इतना आसान नहीं होता इसका मतलब। अरे उन्होंने यहाँ पे रुकने भी मम्मी जी से पूरे 2,00,000 रुपए लिए। 2,00,000? अरे हल्की बोल ना। 2,00,000? हाँ, तो बस पैसों का अरेंजमेंट करके। पैसों का बंदोबस्त करके। सर मैं अभी आया। अरे ये क्या लड्डू, तुमने उसको सारे डबल क्यों बता दिए? ऐसा बोले ना, मम्मी जी ने सुन लिया तो। वैसे भी ये लोग अनपढ़ लोग हैं, लोगों को पढ़ना लिखना कहाँ आता है। लड्डू तुम तो बड़े समझदार आदमी हो, आज से तुम मेरे मैनेजर हो। वाडी! हाँ मैनेजर। कहाँ है फवाद आलम, कब मिलवाओगी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मिलवाती हूँ। अब लड्डू लड्डू। जी हनी, जी हनी आपने बुलाया। लड्डू जल्दी से जाओ, जाके फवाद को लेके आओ, मेरी दोस्त का पिक्चर खिंचवानी है। अगर आपको फवाद साहब से मिलना है तो पहले ये पढ़ लीजिए। ये क्या है? अरे माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी है, खुद से पढ़ लीजिए ना। अब तुम पढ़ो, मेरा दिल नहीं कर रहा। जल्दी पढ़ो। सलाम करने के 1,000, हाथ मिलवाने के 2,000, ऑटोग्राफ के 3,000, साथ तस्वीर खिंचवाने के 4,000। चलो अच्छा हुआ मैं तो पैसे साथ लेके आई हूँ। लड्डू ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये फवाद साहब से मीटिंग के पैकेजेस हैं, और अब जबकि मैं उनका मैनेजर हूं तो उनका हर हुक्म मानना मेरा फर्ज है ना। नहीं 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 मैनेजर, मैं इतनी खूबसूरत लड़की से पैसे नहीं लेता। क्या कर रहे फवाद साहब, आप लेना ले, मेरा नुकसान क्यों कर रहे हैं? यूएसए की पार्टी, अच्छे पैसे मिल जाए। तुम फिक्र मत करो, पागल है, अभी मान जाएगा, पिक्चर ऑटोग्राफ सब मिलेंगे तुम्हें। आप बताइए, आप मेरे साथ कॉफी पे चलेंगी? क्या मैं? जी आप, अगर आप चाहे तो हम दोनों डिनर पे भी चल सकते हैं। क्या हो गई मीटिंग, हो गया खाना पीना, मैं सब कुछ यहीं पे इंतजाम कर देता हूँ। अब जी बिल्कुल, आप तो चलो। ए मेरे साथ फवाद। अरे इधर आए फवाद भाई, जाओ। कौन? अरे भाई पहचाना नहीं मुझे? अबे लड्डू लड्डू। अरे 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 लड्डू, क्या हो गया, हमला हो गया क्या भाई? ये कौन है? अरे प्यारे मियां, तुम क्यों खलाई मखलूक बन के जमीन पे घूम रहे हो? अरे भाई खलाई मखलूक नहीं, क्रिकेटर बोलो क्रिकेटर। अरे भाई फवाद, तुमने मुझे पहचाना नहीं? आप बता भी दें कौन है आप। अरे तुम मुझे नहीं जानते? मुझे माफ कीजिएगा, मैं कभी पागलखाने नहीं गया, इसलिए पहचानना मुश्किल है। अरे नहीं भाई, हम दोनों साथ क्रिकेट खेलते थे। प्यारे मियां ये फवाद आलम है, इंतखाब आलम नहीं है। मालूम है मुझे, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं भाई, मैंने कह दिया कि मैंने फवाद के साथ क्रिकेट खेली है तो बस खेलिए। कैसी बातें कर रहे हो प्यारे मियां, अपनी उम्र देखो, इस मासूम की उम्र देखो। अरे उम्र से क्या होता है, मैंने आपके साथ कब क्रिकेट खेली है? अरे भाई तुमने नहीं खेली है, मैंने तुम्हारे साथ क्रिकेट खेली है भाई। जब तुम टीवी पर बैटिंग करते थे तो मैं सामने खड़ा होकर तुम्हारे साथ बैटिंग किया करता था, याद आया कुछ? यार लड्डू किस पागल को बुला लिया? हेलो भाई, फवाद भाई मैं आ गया, अब जल्दी से मेरे साथ एक सेल्फी हो जाए भाई। अबे तुझे सेल्फी की पड़ी है एल्फी, पैसे लाया तू? हाँ पैसे लेकर आया हूँ, कंगला समझा हुआ क्या हमें तुमने? ये ले 1,000 रुपए, और ये लो 1,000 रुपए। वो क्यों भला? वो इसलिए कि तस्वीर खींचोगे तुम और मैं फवाद भाई को दूंगा तोहफा। तोहफा? हाँ फवाद भाई, मैं आपके लिए ये लश्कारा सर्फ लेके आया हूँ, इससे आप अपने कपड़े धोएंगे ईमान से, मोती की तरह सफेद कपड़े आपके चमकेंगे, आपको मजा आ जाएगा कपड़े पहनने में। अबे धोबी, तुमने फवाद को लड्डू या गुलाम समझा हुआ है जो खुद कपड़े धोएंगे? अरे मियां मैं तुम्हें इज्जत दिया जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी इज्जत लेते ही चले जाओ। हाँ भाई बहुत मुश्किल होता है किसी को वो चीज देना जो आपके पास हो ही ना। अब जाए और ये पर्चा पकड़े।
इस छिछोरपन की वजह जान सकता हूँ? छोटे लोग, अरे इससे ज्यादा पैसे तो हम सिग्नल पे खड़े हुए फकीर को दे देते हैं। बार रहन दो प्यारे मियाँ, दो हफ्ते पहले तुम्हारी फटी हुई बनियान धोई थी, उस तक के तो पैसे दिए नहीं, बात करते हो यार। एक मिनट। खामोश, और तुम बकवास बंद करो। मैंने कह दिया सबसे पहले तस्वीर बनेगी तो मेरी बनेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ लड्डू पहले मेरी तस्वीर होगी, क्योंकि सबसे पहले पैसे मैंने दिए थे, तेरे को बता रहा हूँ यार मैं। तुम दोनों लड़ना बंद करो, उसने पैसे दे दिए प्यारे मियाँ, तुम अपने एडवांस पैसे दो, मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ है, बहुत है, ये लो और भी दे दूंगा। ये रही टोकन मनी, तो तुम फिक्र ही नहीं। हाँ, वैसे भी बहुत से लोग मेरे साथ मुलाकात के लिए बुकिंग करवा रहे हैं। हाँ, अभी एडवांस पैसे दे दिए ना, अभी आप लोग जाएं, शाम को बारी बारी सबकी मुलाकात करवा देंगे, सबकी सेल्फियां खिंचवा देंगे। आओ चलो, मेरी बार वो गाड़ी खड़ी है। कौन सी गाड़ी? जल्दी आओ। क्या बात है, चलो चलो। कच्ची 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 जो मैंने पहले पैसे दिए थे, बाकी आपके अमाउंट ये रहा। हमारा हिसाब बराबर हो गया। वेरी गुड मैनेजर। बस आप मुलाकातों के लिए तैयार हो जाए, लोग किसी भी वक्त आते होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस तुम मेरे लिए एक कप चाय का ला दो। चाय मेरे हाथों की, बस यूं गया और यूं लाया। ये लीजिए। हैं? फवाद भाई ये कहाँ चले गए? फोन करके देखता हूँ। कहाँ चले गए? मुलाकाती तो किसी भी वक्त आते होंगे, कचूमर बना देंगे अगर वो वापस नहीं आए बे टाइम पे तो। आज भाई तुमने नंबर क्यों बंद कर दिया, मरवाओगी क्या? क्या करूं, मुलाकाती तो कभी भी आते होंगे। लड्डू, अबे तुम लोग अंदर कैसे आ गए? तो यार हमारा फोन ही नहीं उठा रहे, इसलिए हम अंदर आ गए। यार मैंने कहा था ना फवाद भाई से मैं मिलवा दूंगा तुमको, फोन करके खुद बुलाऊंगा ना मैं। भाई अब तो रात भी होगी, कब मिलवाएगा फवाद आलम से? फवाद भाई की गाड़ी भी नहीं है बाहर। गाड़ी भी नहीं है? हाँ तो वो जरूरी काम से बाहर गए ना, जैसे आएंगे मैं तुम लोगों को कॉल करके बुलाऊंगा, अभी तुम लोग जाओ। पैसे दिए थे हमने पहले तुम्हें। यार फवाद भाई जैसे आएंगे तुम लोगों को फोन करके बुलाऊंगा ना, अभी अभी तुम लोग जाओ। नहीं नहीं, हमने पैसे लिए हैं। हाँ तुम लोग के पैसे मेरे पास है, मैंने संभाल के रखे, फिक्र नहीं करो। जैसे ही फवाद भाई आते तुम लोग की मुलाकात होगी, मैं तुम लोगों को फोन करूंगा। लड्डू फवाद कहाँ है? मम्मी जी मैं भी शाम से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। लड्डू मुझे नहीं पता, बस तुम जाओ, जाके मुझे फवाद को लाके दो, मुझे उससे बहुत सारी क्रिकेट की बातें करनी है भाई। The number you dialed is not in service. मम्मी जी उनका तो नंबर भी बन जा रहा है। आगे 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 आगे। बेग साहब आप हमारे मेहमान को उठा कर ले गए थे। ओए, तू इसका मैनेजर है क्या? हाँ हाँ मैं ही मैनेजर हूँ इनका। बस तो फिर तू भी थाने चल। मैंने क्या किया? अबे ये बहरूपी है फवाद आलम का डुप्लीकेट, ये जगह जगह मोहल्ले में जाकर उसकी शक्ल का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। मैं नहीं कहता था ये फवाद नहीं, डुप्लीकेट है उसका, लेकिन सबके सब अंधे हो गए थे अंधे। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ भी तो धोखा हुआ है ना, मुझे थोड़ी पता था ये बहरूपी है। चलो भाई चलो, ये रश खत्म करो और जल्दी से मेरी वीडियो और तस्वीरें बनाओ फवाद आलम के साथ। अबे क्या बात है, सब चुप क्यों हो गए? चुप्पी से क्यों लग गई सबको? पूरे 10,000 रुपए दिए मैंने लड्डू को। हाँ ओए, तू तो कह रहा था मैं मुलव्वस नहीं उसमें। प्यारे मियां
जो नंबर आपने डायल किया है ना वो दुरुस्त नहीं है। ये फवाद नहीं, चीटर है, चीटर। क्या कह रहे हो? मेरे 10,000 का क्या होगा? अरे भाई कोई बताएगा कि असली फवाद कहाँ है? मैं बताता हूँ। आ जाए जनाब। इंस्पेक्टर साहब आपको भी धोखा हो गया, असली फवाद ये भी नहीं है। अरे जनाब कैसी बातें कर रहे हैं, होश में तो हैं आप? अरे तुम मेरा हमशक्ल होने का फायदा उठाते हो? अरे तो भाई इनमें से असली फवाद कौन है फिर? हाँ अरे तुम्हारे पास क्या सबूत है कि असली है? अगर सबूत तो मेरे ही पास है। फवाद ये है मेरे पास, ये देखे, ये देखे, देखे तू ही देख ले, ये देखें असल फवाद ये है, ये दिखाई ना, इसको तो मैंने दिखाया कहीं पे, ये कौन है? ओफो, अरे गुलाम आप भी ना, अरे ये तो हमारे मुल्क का मशहूर एक्टर फवाद खान है, हमेशा बेवकूफी की बात करते हैं आप। सुसन जी आप भी ना। ओए तूने ऐसे ही पुलिस का टाइम बर्बाद किया और मेरा भी टाइम बर्बाद किया है। और मेरा भी। चाय के अलावा कभी कुछ और भी पिला दिया करें। पी तो रही है आप मेरा खून। मेरी अम्मा आ रही है ना। अरे इतने सालों के बाद आपकी अम्मा को कैसे आपकी याद आ गई? तुम्हारी दादी है ना, ये जरा पुराने ख्यालात की हैं। हाँ तो होंगी, मैं क्या करूँ, देखने में तो भली चंगी लग रही है। अरे क्या सिडनी कर रही थी मुझसे? मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ, बड़ी मजेदार। अच्छा रनवा हो गया या बेहिश? सलाम दादी। जीती रहो, तमीज तहजीब से जुड़ी रहो। क्या हो रहा है? बिजली का बिल बहुत आ रहा है ना, हमने सोचा कनेक्शन नहीं काट देना, होगा ना इस्तेमाल होगा ना बिल आएगा। उन्हें बड़ा शौक था बिजली का बोर्ड रहने, इसलिए सबको लेके गया था। अबे ये बिजली का बोर्ड है या सेंसर बोर्ड है, ये सब देखने का है। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।